अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल लेके आ रहे हैं रिएक्शन वीडियोस, वो भी इंडिया को एक्सप्लोर करते हुए। काफ़ी सारे सिटीज़ को हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो काफ़ी सारी सिटीज़ आपको इंडिया की मिल जाएंगी जो हमने एक्सप्लोर कर रखी हैं, और मैं अपने ब्लॉग के अंदर इसी वीडियो में उन वीडियोज़ के लिंक भी डाल दूँगा। सो गाइज, आज हम लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं चेन्नई को, इंडिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त सिटी चेन्नई। आइए देखते हैं। दोस्तों, यह है चेन्नई जो कि दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु का कैपिटल, सबसे बड़ा शहर है तथा चेन्नई को ही मद्रास के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के दक्षिणी तट पर स्थित एक प्रमुख नगर है जो कि वर्तमान समय में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चेन्नई हमारे देश के कुछ जीवंत और बहुसांस्कृतिक शहरों में से एक है जो अपने इतिहास, संस्कृति, कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो ये पूरा नगर तमिल संस्कृति पर आधारित है, परंतु यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चेन्नई को डेट्रॉयट ऑफ इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर बड़े बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मौजूद हैं, जो एक महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल हब बनाने का काम करते हैं। समुद्र तट से नजदीकी और यहाँ के बेहतरीन रोड नेटवर्क के कारण बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां इस शहर में आकर्षित होती हैं। वही दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड बैंक का मेन ऑफिस चेन्नई में मौजूद है, जो कि वर्ल्ड बैंक चेन्नई ऑफिस के नाम से जाना जाता है। वही चेन्नई साउथ इंडियन फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, तो भाई क्योंकि इंडिया यही वो शहर है जिसकी सड़कों पे आपको पूरे दक्षिण भारत का जायका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप गर्मा गर्म इडली, सांभर और तवे पर सिकते डोसा का स्वाद ले सकते हैं। और आइए अब जरा हम चेन्नई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई शहर तकरीबन 426 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला है। समुद्र तल से इस शहर की ऊंचाई 6.7 मीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर स्थित है। साल 2011 में किए गए जनगणना के आधार पर शहर की कुल आबादी लगभग 4.6 मिलियन लोगों की है, जिसमें से लगभग 90% लोग पढ़े लिखे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वहीं चेन्नई शहर में आपको औरत मर्द का सेक्स रेशो ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसमें यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं पाई जाती हैं। यदि हम यहाँ की आबादी को धार्मिक रूप से देखें, तो यहाँ की कुल आबादी में 80.73% हिंदू, 9.45% मुस्लिम और लगभग 7.72% क्रिश्चियन लोग यहाँ रहते हैं। यदि आपको सड़क पर चलते हुए ज्यादातर TN01 या TN02 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइए कि आप तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं यदि हम चेन्नई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो ये एक बेहतरीन शहर है जो सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग और सी पोर्ट के द्वारा पूरी दुनिया से वेल कनेक्टेड है। वहीं चेन्नई शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। ये चेन्नई हावड़ा मेन लाइन पर स्थित दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। यहाँ से रोजाना भारत के कई महानगरों तक सीधी ट्रेनें चलती हैं। अथवा चेन्नई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि शहर के सिटी सेंटर से तकरीबन 20 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पर मौजूद है। और आइए अब जरा हम जान लेते हैं चेन्नई के सुनहरे इतिहास और यहाँ के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चेन्नई नाम का पहला आधिकारिक उपयोग 8 अगस्त 1639 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसे आगे चलकर 1996 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर मद्रास से चेन्नई का नाम बदल दिया। हालांकि इससे पहले चेन्नई पर पल्लवों, पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स का राज रह चुका है। वहीं यदि आप चेन्नई घूमने का विचार बनाते हैं, तो आप यहाँ इलियट बीच, कपालेश्वर मंदिर, वल्लुवर कोट्टम, ब्रिजी बीच, चेन्नई संग्रहालय और यहाँ के शानदार मरीना बीच की सैर कर सकते हैं। सो गाइस, ये था चेन्नई जो कि हमने छोटे ही वीडियो में आपको बस दिखाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा सिटी लगा हर लिहाज से।
यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी हैं जो कि गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दिया कि हाँ यहाँ पे कार्स बनती हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।